नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के खिलाफ जंग में औद्योगिक समूहों से मदद मांगी है। इस कड़ी में उन्होंने कई नामी उद्योगपतियों से बातचीत की और सीएसआर में उत्तराखंड को स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देर शाम अडानी समूह के गौतम अडानी और आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला से बातचीत कर उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के संबंध में अवगत कराया है। सीएम ने दोनों से सीएसआर फंड में स्वास्थ्य उपकरण देने का अनुरोध किया है। इसी क्रम में उन्होंने महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और पेटीएम के विजय शेखर वर्मा से वर्चुअली बैठक करते हुए सीएसआर के तहत सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि सीधे स्वास्थ्य उपकरण देने से राज्य सरकार को सरकारी औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ेंगी और अनावश्यक विलंब भी नहीं होगा। आनंद महिंद्रा से मुख्यमंत्री ने 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एमआरआई मशीन और 10 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस पर आनंद महिंद्रा ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 7000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के इन्हीं हालातों को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस ने देहरादून में कांग्रेस भवन में एक दिन का सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि राज्य में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सरकार नींद में सोई हुई है। इसी गूंगी बहरी सरकार को नींद से जगाने के लिए उन्हें आज मजबूरन सांकेतिक उपवास रखना पड़ा है। राज्य रोजाना कोरोना के सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, जबकि सरकार का पूरा तंत्र बिगड़ते हालातों को काबू करने में नाकाम साबित हो रहा है। कोरोना की महामारी रोकने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे, सरकार उसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और इसीलिए सरकार को नींद से जगाने के लिए और कोरोना की इस महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने एक घंटे का जो है उपवास करने का काम किया। प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जसपुर में भी लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बदला लगातार जसपुर में कोविड सेंटर खोलने की मांग की जा रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार कोरोना सेंटर मंजूर होने की अफवाहों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन असलियत यह है कि जसपुर में सिर्फ 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की हालत गंभीर होती है उसे उपचार के लिए रुद्रपुर जिला अस्पताल भेजा जाता है। आदेश सिंह चौहान का कहना है कि जसपुर में एमबीबीएस डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ ना होने के चलते यहाँ कोविड सेंटर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन जसपुर में कोविड सेंटर की ज़रूरत है। इन्हें सरकार को जल्द पूरा करना चाहिए। तो जसपुर में भी कोरोना लगातार अपना प्रकोप बरपा रहा है और ऐसे में वहां कोविड सेंटर खोलने की मांग तेजी से उठने लगी है। बताया ही जा रहा है कि जसपुर में सिर्फ 12 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड है, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। उसके बावजूद कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो भी मरीज जसपुर वार्ड में पहुँच रहा है उसका उचित उपचार नहीं हो रहा है। राजधानी देहरादून में कोरोना कर्फ्यू 10 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह कई जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू में छूट रहेगी। हालांकि छूट के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इस दौरान सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन और निरंजनपुर मंडी में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कर्फ्यू में 4 दिन की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इस दौरान राशन और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अब केवल गुरुवार और शनिवार को दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं इसी के साथ उत्तराखंड के 3 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं अब 6 मई से 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। शादी समारोह में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और टिहरी में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है।
उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं उत्तरकाशी भी इससे अछूता नहीं रह गया है। उत्तरकाशी में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अधिकारी जिला प्रशासन की भी नींद खुली है, जिसके बाद पूरे उत्तरकाशी में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए आदेश जारी किए हैं। वहीं इस दौरान कुछ जरूरी सेवाएं भी जारी रहेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही ऑक्सीजन दवाओं, वैक्सीन और ऑक्सीमीटर फ्लोमीटर की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। सामान्य दिनों में 1200 से 1800 रुपए तक मिलने वाले फ्लोमीटर अब आम जनमानस तक पहुंच ही नहीं रहे हैं और ऐसी स्थिति में दून निवासी सुरेंद्र सिंह मदद को आगे आए हैं। उन्होंने एक फ्लोमीटर बनाया है। सुरेंद्र सिंह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देसी तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लोमीटर बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। बीते तीन दिनों में 30 से 40 लोगों ने अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए सुरेंद्र सिंह से संपर्क किया है और सब्स्टिट्यूट फ्लो मीटर बिना किसी कीमत के निःशुल्क प्राप्त किया है। फ्लोमीटर तो ये जो आपका सिरिंज मिलती है ना बाजार में, इसी से इसको सब बनाया मैंने। किस तरह से काम करता है? जैसे आपका बाजार का फ्लोमीटर काम करता है, सेम उसी तरीके से काम करता है। इसके ऊपर थोड़ा उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अच्छा, वैसे हमारा कोई फ्लोमीटर बनाने का कोई काम नहीं था। हमने तो जो प्रोग्राम बनाया था ऑक्सीजन देने का बनाया था, फिर ऑक्सीजन देने का जो प्रोग्राम बनाया वो फेल हो गया, जो सिलेंडर नहीं मिले। फिर हमने कहा ऑक्सीमीटर सप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीमीटर के बाजार परचेज करने गए तो ऑक्सीमीटर नहीं मिले, फिर ये ऑक्सीमीटर का जो है ये जुगाड़ बनाया। कोरोना महामारी इस समय देश के साथ ही प्रदेश में भी कहर ढा रही है। आए दिन संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। पहाड़ों में भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। चमोली जिले के थराली विकास खंड में भी कोरोना मरीजों ने एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद अब थराली विधायक मुन्नी शाह ने चमोली को एक नई एम्बुलेंस दी है। विधायक मुन्नी शाह ने एक और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई एम्बुलेंस फिलहाल कोविड केयर में काफ़ी मददगार साबित होगी और आपातकाल की स्थिति में ये कोरोना संक्रमितों को कोविड सेंटर पहुंचाने में भी मदद करेगी। कोरोना से पूरे देश में दहशत मची हुई है, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक कबाड़ी के गोदाम से बायोमेडिकल वेस्ट और कुछ अन्य सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी की गई और एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सवाल खड़ा हो रहा है कि कबाड़ी के पास इतना मेडिकल वेस्ट कहाँ से आया और कैसे पहुँचा। बता दें कि पुलिस की ओर से देर रात इस बात की सूचना मिली थी कि कबाड़ गोदाम में बायोमेडिकल वेस्ट रखा गया है। इसके आधार पर पुलिस ने जब देर रात छापेमारी की तो उन्हें भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट मिला। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। देखिए, ये हमारे पास में एक गोपनीय सूचना आई थी कि ये जो इंतज़ार हुसैन का बगीचा है वहाँ के आसपास में एक कबाड़ी की कोई शॉप है और वहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो खुले में पड़ा हुआ है। इसकी सूचना पे थाना बनपुरपुरा की पुलिस वहाँ पे गई और उन्होंने इस तरीके की वहाँ पे पाई, तो फिर वहाँ पे बाकी मेडिकल ऑफिसर और टीमों को भी बुलाया गया और ये सत्यता पाई गई। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और महामारी अधिनियम भी इसमें लगाया गया है, एनवायरमेंट एक्ट भी है। सितारगंज में बढ़ती ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की मांग को देखते हुए समाज सेवी इख्तियाक अंसारी ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है। समाज सेवी इश्तियाक अंसारी का कहना है कि 6 दिन से सितारगंज की युवा टीम जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, लेकिन गैस उपलब्ध कराने के लिए युवाओं की टीम को रुद्रपुर जाकर लाइन में लगकर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं। वहीं अंसारी ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि सिडकुल की कई कंपनियों ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का स्टॉक कर रखा है, जहाँ पर जल्द ही छापेमार कार्रवाई करने की ज़रूरत है। प्रशासन से बहुत दिनों से हम मांग कर रहे हैं, आज छठा दिन है हमें ये काम करते हुए और 6 दिन से
हमें अपनी गाड़ी में खुद पर्सनली लेके जा रहे हैं रुद्रपुर, पूरी रात लाइन में लगकर तो हम सिलेंडर भरवा के ला रहे हैं। और जो यहाँ पे एक कासिफ भाई हैं मलिक साहब, वो हमें ज़रूर सिलेंडर दे रहे हैं। मिश्रा की पूरी गाड़ी आई है, कल उसने हमें 2 सिलेंडर दिए हैं और पूरी धड़ल्ले से ब्लैक हो रही है यहाँ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए हल्द्वानी जिले में कर्फ्यू लगाया गया, जिसके बावजूद लोग कर्फ्यू का उल्लंघन कर अनावश्यक रूप से वाहनों को सड़क पर दौड़ा रहे हैं, जिसके बाद नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 110 दो पहिया और 4 पहिया वाहनों को सीज किया है। SP सिटी जगदीश चंद्र ने बताया, सरकार के जारी किए गए कोविड नियमों और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो अनावश्यक रूप से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर सीज करने की कार्रवाई की है। साथ ही सभी लोगों को चेतावनी दी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के समय पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको कोई काम नहीं है, वो घूम रहे हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए पूरे नैनीताल जनपद में एक अभियान चलाया गया कि ऐसे वाहनों को देखें और सीज किया जाए। इस तरह कल कार्रवाई करते हुए इसमें 110 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन हैं। फिर से हिदायत दी जा रही है कि केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़ के अन्य किसी भी तरह के वाहन नहीं चलेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।